अगर आपको कर्ली वेव हेयर के रूटीन के बारे में पता है पर वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी स्टेप्स लगता है और आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आई है। आज मैं एक वीक वर्स्ट रूटीन शेयर करूँगी जिसमें आपके बहुत ही कम टाइम लगेंगे इतने अच्छे बाउंस से डिफाइन कर्ल्स पाने के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ संजना फ्रॉम प्रिटी कर्ल्स और आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर बिजी वर्किंग वूमेन हैं या फिर एक हाउस वाइफ है, आपके बच्चों को संभालने के चक्कर में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, वीक में एक बार भी टाइम नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जेल यूज़ करना भी पसंद नहीं है, आप बिना जेल यूज़ किए एक वॉश रूटीन चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। हफ्ते में एक बार वॉश करें कि दो बार वॉश करें या फिर हर दिन वॉश करते हैं, सबके लिए ही मैं ये वीक वॉश रूटीन लाई हूँ और मैं सबके बारे में ही बात करूंगी कि किसके लिए कौन सा क्या करना है। रूटीन में ऐसे ऐसे कुछ स्टेप्स है जिससे आप नेक्स्ट वॉश में रिटेंगल करने में आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी और वो और भी ज्यादा क्विक हो जाएगा क्योंकि रिटेंगलिंग में और ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है शैम्पू। शैम्पू जो लोग वीक में एक बार करते हैं वो क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज़ करें, और ऑयलिंग करेंगे तो क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना है। और अगर आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली वॉश करती हैं तो आप एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करें। समर में बेसिकली मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे हर दिन ही वॉश करना होता है हेयर, नहीं तो बहुत स्वेटी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेथ इन नेचर एवोकाडो शैम्पू। ये आपको अच्छे से स्कैल्प में लगाना है और आपको 2 मिनट तक स्कैल्प में मसाज करना है। आपको अपने नेल्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अपने फिंगर टिप्स यूज़ करने हैं और स्कैल्प मसाज करना है जो भी बिल्डअप या फिर ऑयल्स है उसको रिमूव करने के लिए। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनको ब्रेड बनाना पड़ता है, तो अगर आप ये चीज़ हर दिन करना चाहती है ये वाला रूटीन, तो आप एक काम कीजिए, आप पूरा का पूरा बाल सुखाने के बाद विदाउट कूम्बिंग आप ब्रेड बना सकते हैं। ये कैसे करना है मैंने एक शॉर्ट्स का लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। और जिनको भी विदाउट कूम्बिंग हेयर स्टाइल्स चाहिए मेरे शॉर्ट्स चेक कीजिए, मैंने बहुत सारे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाए हैं जिसको करने में बिल्कुल ही कॉम की ज़रूरत नहीं है। हेयर केयर रूटीन पूरा का पूरा कैसे करना है डिटेल्ड में आपको अगर चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अप है, आई बटन पे आप देख सकेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो लिंक मिलेगा आपको वही रहेगा पूरा कर्ली वेव हेयर केयर रूटीन। यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी पर डिटेल में उतना नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो इसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है शैम्पू करने के बाद। इसके बाद करना है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिक्विल का कंडीशनर, मुरमुरु कंडीशनर। ये कंडीशनर प्रोटीन कंडीशनर है, बहुत अच्छा स्लिप है इसका। कंडीशनर अप्लाई करने के बाद आपको डिटेंगलिंग करना है। कंडीशनर आपको हेयर लेंथ पे अप्लाई करने के बाद इसको 5 मिनट्स तक रख देना है और 3 to 4 मिनट्स तक भी चलेगा, उसके बाद आप डिटेंगल कर लीजिए। डिटेंगल करने के बाद आपको करना है इसको स्क्विश टू कंडीश, इसलिए थोड़ा सा भिगोने के बाद आपको करना है स्क्विश टू कंडीश, जैसे मैं अभी कर रही हूँ इसको कहते हैं स्क्विश टू कंडीश। इससे आपके बाल बहुत मॉइस्चराइज हो जाएंगे और सीवीड जैसा हेयर हो जाएगा, तो स्टाइलिंग के लिए बेस रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको कंडीशनर को धो देना है। सो 10 मिनट्स में शैम्पू एंड कंडीशनर आपका हो जाएगा और 5 मिनट स्टाइलिंग रूटीन भी मैं यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ कि आपको स्टाइलिंग 5 मिनट में कैसे कर लेना है। स्टाइलिंग रूटीन में सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कर्ल क्रीम, या एशपा का कर्ल क्रीम है। इसको एक जेनरस अमाउंट लेके आपको हेयर लेंथ पे अप्लाई कर लेना है अच्छे से, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा। इसके बाद आपको रूट से दूर आपको ब्रश करना है जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा हेयर लेके आपको क्लम्स फॉर्म करने हैं, ऐसे टेंशन क्रिएट करके आपको ब्रश करना है, या फिर आप एक नॉर्मल वाइट टूथ कॉम लेके भी नॉर्मली आप ब्रश कर सकती हो, उसमें भी बहुत ही डैंगल फ्री क्लम्स फॉर्म होते हैं और नेक्स्ट डे जब भी आप डिटेंगल करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लम्स बहुत अच्छे चाहिए। ये भी जब सूख जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लम्स कितने अलग अलग है और टैंगल फ्री है। आप सिर्फ लिविन कंडीशनर कर्ल क्रीम लगा के भी छोड़ सकते हैं, पर आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेशन चाहिए तो आप एक स्टाइलिंग फोम यूज़ कीजिए। यस, जेल के बिना आप ये यूज़ कर सकती है, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। मैं ईच पार्ट में 3 पम्प्स लगा रही हूँ। ये सुगर बू कर्ल्स का स्टाइलिंग फोम है। स्टाइलिंग फोम मेरा न्यू ऑब्सेशन है, बहुत ही अच्छा लगता है स्टाइलिंग फोम का रिजल्ट्स भी, और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी
काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी मैं फिर से वही ब्रश से फिर ब्रश कर ले रही हूँ क्लम्स फॉर्म करते हुए, और जब क्लम्स फॉर्म हो जा रहे हैं तो मैं फिर से उसको स्क्रंच कर ले रही हूँ। मूस लगाने के बाद या फिर फोम लगाने के बाद एज ए ब्रश करके आप नॉर्मली स्क्रंच कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप अगर ब्रश यूज़ ना करना चाहें तो भी आप स्क्रंच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे टैंगल फ्री हेयर चाहिए। अभी मैं फिर से स्क्रंच करूँगी और उसके बाद मैं क्राउन एरिया को फिर से ब्रश स्टाइल करूँगी क्योंकि मैं अपराइट स्टाइलिंग की हूँ। अपसाइड डाउन स्टाइलिंग करती तो ये करने को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता, पर अपराइट स्टाइलिंग में ये एरिया उतना अच्छा दिखता नहीं है, इसीलिए मुझे ब्रश स्टाइल करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा क्लम्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है आपके बालों को सुखाना। ये आप तीन तरीके से कर सकते हो जल्दी करने के लिए। एक एयर ड्राई, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, डिफ्यूजिंग में आपको 30-40 मिनट्स लगेंगे और बोनेट ड्रायर में भी आपको 30 मिनट्स लगेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफ्यूजिंग करके दिखाती हूँ। डिफ्यूजिंग करने में आपको ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स लग जाते हैं। सॉरी, मैंने पहले 30-40 मिनट्स बोला, बट 20-30 मिनट्स में आपका अच्छा खासा बाल सूख ही जाता है। और बोनेट ड्रायर में भी आपको थोड़ा सा 25-30 मिनट्स लगता है। अब ये अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको पूरे दिन भीगे बालों में रहना नहीं पड़ता एयर ड्राई के चक्कर में, या फिर आपको तुरंत निकलना हो तो आप भीगे बालों के साथ नहीं निकल सकती, तब आप ये दो चीज़ें कर सकती हैं। और ये करने में आपको बेसिक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20-30 मिनट्स आपको देना पड़ेगा। और बोनेट ड्रायर अगर आप यूज़ करेंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से काम कर सकती हो, मेकअप कर सकती हो, या फिर खाना खा सकती हो, या फिर कोई भी और भी काम वो कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप होता रहेगा और आपके दोनों हैंड्स फ्री रहेंगे। जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ कि बोनेट ड्रायर मैं कैसे पहन रही हूँ और ये कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे शो कर दूँगी। यहाँ पे मैंने पहले इसको पहन लिया और इसके नीचे जो टेल है यहाँ पे आपको आपका हेयर ड्रायर को इंसर्ट कर देना है और बस कुछ नहीं करना, आपको इसको ऑन कर देना है और आपके दोनों हैंड्स फ्री हो जाएंगे। मैं यहाँ पे मेकअप कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे शूट करना था। इसके बाद 30 मिनट्स के बाद आप आराम से उठ के देखना कि आपके बाल बहुत ही अच्छे सूख जाएंगे और थोड़ा बहुत अगर भीगे रहेंगे वो एयर ड्राई हो जाएगा, उसमें कुछ फ्रिज क्रिएट नहीं होगा उतना। और ये रहे रिजल्ट्स आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेफिनेशन आया है। वॉल्यूम इसका उतना अच्छा अभी नहीं है क्योंकि मैंने स्क्रंच आउट द क्रंच नहीं किया है, पर आप देख सकते हो कि एक एक क्लम्स कितने सुंदर अलग अलग दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको पिक करके दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं कि आप डिटेंगल जब नेक्स्ट टाइम करेंगी तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर्स लोग देखते हैं, तो प्लीज़ 90% नॉन सब्सक्राइबर्स जो भी है, आपको अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। आपका एक लाइक या एक कमेंट से आपको कुछ नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी के भी कर्ली हुए भी हेयर है, फिर बहुत ही एक्सट्रीम फ्रिज है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।